इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि की कलश स्थापना। इस दिन हमने ब्लॉग बनाया था पूरा कि हमने कलश स्थापना कैसे की है, तो वो पूरा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सरल विधि है और कोई भी आसानी से कलश स्थापना कर सकता है, और हर साल हम ऐसे ही कलश स्थापना करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें, तो बगल में ये घंटी आ जाएगी, इस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तो ये नवरात्रि की पूजा की तैयारी चल रही है, कलश स्थापना की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है, फिर पूजा तो बहुत ही आराम से हो जाती है। तो इस मैंने पूरे मंदिर की सफाई अच्छी तरह की थी, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, प्लस पूजन सामग्री का भी मैंने वीडियो बनाया है। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में जौ को लगाते हैं, मिट्टी और बालू को मिलाते हैं और उसमें रात में जौ को भिगो के रख देते हैं और फिर सुबह इस तरह से डालते हैं। पहले जहाँ पे भी आपको कलश स्थापना करनी है, जो भी चौकी या मंदिर के आसपास, वहाँ पे अच्छी तरह से सफाई करेंगे और गंगा जल से आचमनी करेंगे, खुद भी आचमनी लेंगे। कलश स्थापना के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है और उसी मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो जौ वाला बर्तन है, मिट्टी का बर्तन मैंने लिया है जौ उगाने के लिए, और उसमें हम बीच में इस तरह से स्पेस बना देंगे, गोला बना देंगे जिसमें हम कलश को रखेंगे, ये देखिए। और ये मिट्टी का कलश लिया है मैंने और उस पर गोबर से गोठा है, गोबर से चारों तरफ एक लाइन बनाएंगे और उसमें हम फिर नीचे से 9 लाइनें बनाएंगे। ये 9 लाइनें जो हैं वो दुर्गा जी का रूप माना जाता है, और फिर उस गोबर जो हमने गोठा है, 9 लाइनें बनाई हैं, उस सब में हम जौ गाड़ेंगे, जौ के दाने एक एक करके लगाएंगे इस तरह से। फिर हम कलश में पानी भरेंगे, अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, अगर गंगा जल इतना नहीं है तो आप थोड़ा गंगा जल डाल के बाकी आप साफ पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं गंगा जल डाल रहे हैं। लेडीज और जेंट्स में कोई भी ये पूजा कर सकता है। और कलश को अच्छी तरह से भर के रखना है। फिर उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे मिट्टी की, जिसमें हमको चावल भर के रखना है, और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो सबसे पहले दुर्गा जी को स्थापित करेंगे, माता के लिए नई चुनरी लगाएंगे, गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी को बनाने के लिए सुपारी ली है और सुपारी के चारों तरफ रक्षा सूत्र से लपेट दिया है, और माता गौरी बनाएंगे। माता गौरी मैंने गोबर से बनाई है, गोबर से इस तरह तिकोना करके, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी और गौरी जी को पूजा में जरूर स्थापित करते हैं। फिर नारियल लेंगे, पानी वाला नारियल लेना है जिसमें अंदर पानी भरा हुआ हो, ऊपर से सूखा अंदर से पानी भरा हो। उस नारियल को हम एक लाल रंग की चुनरी से लपेट देंगे और उसके ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधेंगे लाल कलर से। फिर हम गंगा जल में लौंग और इलायची डालेंगे, अच्छत डालेंगे, रूरी डालेंगे, और अगर एक मैं और उपाय बता रही हूँ, अगर आप उसमें एक का सिक्का डाल दीजिए तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। फिर हम आम की पत्तियां लेंगे, आम की हमें 9 पत्तियां लेनी है, हमको ऐसी डाल तोड़नी है जिसमें 9 पत्तियां हो। इस तरह से और इस तरह से हम कलश में आम की पत्तियों को लगा देंगे, और उसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे, ये भी मिट्टी की है और उसमें चावल भर के रखना है, कभी भी खाली कटोरी नहीं रखनी चाहिए। और फिर इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो 9 पत्तियां लगानी है ये ध्यान रखना है।
और जो डंठल है, जो तना है, वो पूरा पानी में डूबा रहना चाहिए ताकि हमारी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहें काफी दिनों तक। और माँ दुर्गा का स्मरण करते रहेंगे। अब इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। बहुत से लोग नारियल खड़ा भी रखते हैं, बट उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग नारियल हमेशा इस तरह से लेटा के रखते हैं, क्योंकि अगर नारियल पूजा के टाइम पे गिर जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद हम कलश स्थापित कर दिया है। अब इसके बाद हम गंगा जल से आर्चनी करेंगे गणेश भगवान जी की, माता गौरी की, दुर्गा जी की और कलश की। फिर हम रोरी लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे और साथ में हम कलश की भी पूजा करते चलेंगे। ये देखिए इस तरह से। माँ दुर्गा को टीका लगाएंगे और फिर चूंकि हम मंदिर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो बाकी जितने भी भगवान जी हैं उन सब को अर्चना करेंगे और टीका लगाएंगे, कलश में भी टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। और आम की पत्तियों पर भी हम कुमकुम लगाएंगे। फिर हम गणेश भगवान जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर लगा लेंगे भिगो के। फिर गणेश जी को धूप चढ़ाएंगे, गणेश जी को धूप बहुत पसंद है। और कुछ धूप हम जो है कलश पे भी रखेंगे। इस तरह से फूल माला चढ़ाएंगे, अगर लाल रंग का फूल मिल सके और वो भी गुड़हल का तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये हमारे घर के आंगन के फूल हैं और माता की कृपा से हर दिन 9-10 फूल आराम से निकल जाते हैं। तो ये जो माता का जो हमने माला बनाई है इसमें 9 गुड़हल के फूल लगाए हैं, तो सब माँ की कृपा से होता है। रोज फूल आराम से 10-12 फूल निकल जाते हैं। कलश में भी फूल चढ़ाएंगे और इस तरह सारे भगवान जी को अपने मंदिर में, जो भगवान जी हैं सभी भगवान जी को हम फूल अर्पित करेंगे। और एक पान लेंगे, उस पान में हम सुपारी रखेंगे और साथ में इलायची और लौंग रखेंगे और वो माता रानी को चढ़ाएंगे। और यही काम अपने घर के सभी सदस्यों से कराना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी को पूजा में शामिल करना चाहिए और सभी से पान में सुपारी और इलायची और लौंग स्पेशली ज़रूर चढ़ाना चाहिए घर के सभी लोगों को। और साथ में हम सभी भगवान जी की पूजा करते चलेंगे। अखंड ज्योति स्थापित करेंगे। अखंड ज्योति जलाने के लिए इस बार मैं बाजार से एक अखंड ज्योति का इस तरह से देखिए लंबा धागा लाई हूँ, रुई का बना हुआ। अखंड ज्योति स्थापित करते समय भी भगवान के सच्चे मन से याद करिए कि ये अखंड ज्योति बनी रहे 9 दिन तक, इसी तरह जलती रहे। और नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे, 8 पत्तियों का कमल बनाएंगे। आप वो रंगोली किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं। और फिर जब हम ज्योति जलाएंगे, माता की अखंड ज्योति जलाएंगे, तो उसके बाद उसकी भी पूजा करेंगे। उसमें भी हम रोरी अक्षत लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे ये अखंड ज्योति ऐसे ही जलती रहे 9 दिनों तक। और अखंड ज्योति अगर किसी कारण से बुझ भी जाती है तो आप जब भी अखंड ज्योति ठीक करें तो आप बगल में एक माँ के लिए ज्योति ज़रूर जला के रखें। अगर किसी कारणों से आपको लगता है कि आपको ज्योति ठीक करनी है तो आप बगल में एक ज्योति माँ के लिए आरती ज़रूर जला के रखें।
और जैसा कि मैंने कहा, माता को सिंदूर चढ़ाना है, तो घर की जो भी महिलाएं हैं वो माता को सिंदूर चढ़ाएं, सिंगार का सामान चढ़ाएं। और ये मैं चढ़ा रही हूँ माता को सिंदूर, तो 5 बार सिंदूर चढ़ाना है और सुहाग लेना रहता है। माँ गौरी को भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे 5 या 7 बार, और बाद में जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो हम सुहाग ज़रूर लेंगे, माँ का सिंदूर ज़रूर लेंगे। और जब भी आप पूजा में बैठें आप आलता ज़रूर लगाएं, क्योंकि नवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार भी माना जाता है, तो आप जितना हो सके सभी श्रृंगार ज़रूर करें। और घर में मंदिर में जितनी भी माता रानी की फ़ोटो है सबको सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे, और श्रृंगार का सामान जो भी आपकी इच्छा हो चढ़ाइए। और ये देखिए, ये मैंने पान भी चढ़ाया है, पान में इलायची और लौंग लगा के। मैंने बोला घर के सभी सदस्यों से को हमें पान में इलायची लौंग लगा के चढ़ाना चाहिए। और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, माँ अपने आशीर्वाद सबको दें। इसके बाद हम माँ के सामने धूप बत्ती जलाएंगे, एक ज्योति मैं ऊपर मंदिर के सामने रखवा रही हूँ और एक माँ के सामने ज्योति जलाएंगे। अखंड ज्योति तो ऐसे ही जलती रहेगी, लेकिन जब भी पूजा करें बगल में एक ज्योति ज़रूर जलाएं। और जब भी ज्योति जलाते हैं उसकी भी, उस पर भी हम फूल और अच्छा कुमकुम ज़रूर लाएंगे इस तरह से। के बाद हम फल अर्पित करेंगे, और जो भी भोग आपने अपने घर में बनाया हो वो माँ को अर्पित करेंगे। आप बर्फ़ी बना सकते हैं घर में, सिंघाड़े की बर्फ़ी बना सकते हैं, कुछ भी जो प्रसाद आप बना सकते हैं माता रानी के लिए अपने हाथों से बनाइए और भोग लगाइए। इस तरह से अर्पित करने के बाद हम एक बार लास्ट में जब पूजा कर लेंगे तो एक बार गंगा जल से आष्टमी करेंगे, तभी भोग स्वीकार माना जाता है। उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ेंगे, उसमें दुर्गा कवच कीलकम जरूर पढ़ना है। उसके बाद जो पूरे अध्याय हैं उनको हम एक एक दो दो करके पूरे 9 दिन तक पढ़ेंगे, और अगर पंडित जी आते हैं तो कोई बात नहीं, वो रोज़ पूरा अध्याय पढ़ते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे, कि सभी लोग मिलकर माता रानी की आरती करेंगे। आरती की थाली बनाने के लिए आरती की थाली में हम पहले स्वस्तिक बनाएंगे कुमकुम से, उसके बाद फूल रखेंगे। और आरती हमेशा कपूर से करनी चाहिए, लेकिन खाली कपूर कभी नहीं जलाना चाहिए। कपूर में हम थोड़ा सा चावल भी रखेंगे, जिसमें आप कपूर जलाएंगे उसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे, आरती की थाली बनाएंगे इस तरह से। कोई भी आरती माँ अंबौरी आरती कर सकते हैं, जगदगुरु माँ आरती कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो।
आरती करने के बाद पहले भगवान जी को आरती दिखाएंगे, माता रानी को आरती दिखाएंगे, उसके बाद घर के सभी सदस्य आरती लेंगे। आरती जब भी माता रानी को दिखाएंगे हमेशा हाथ में फूल लेके दिखाना चाहिए, खाली हाथ से आरती कभी नहीं दिखानी चाहिए। हो सके अगर पॉसिबल है आप सब बजा सकते हैं तो जरूर बजाइए और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर हम क्षमा प्रार्थना करेंगे गे माता से कि हमसे अगर पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा। और जब भी हम क्षमा प्रार्थना करेंगे घर के सभी लोग हाथों में फूल ज़रूर रखिएगा और बाद में माता को अर्पित करेंगे और फिर माथा टेक कर माँ से विनती करेंगे और लास्ट में ज़मीन में 2 बार जल गलाएंगे और उसको हम इस तरह से जय करेंगे। तो इस तरह से पूरी पूजा कंप्लीट होगी। माता की ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति, तो हम बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहेंगे। एक लोग को लगा देना है जो कि माता रानी की ज्योति चेक करता रहे। इस तरह से हमने अपने माता रानी की कलश स्थापना की थी, बहुत ही सरल विधि है और इसमें हमने कुछ भी अलग से नहीं किया है, अपने घर के लोगों ने ही मिलकर कलश स्थापना की है, पंडित जी को नहीं बुलाया था। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।